साल माता का जगराता करवाने वाले सांडिल्य परिवार लड़िया वाले का हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं और जैक ब्लैक अगरबत्ती वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने 50 फीट की माता रानी की प्रतिमा बनवाई। माता शीशा खुली गटीदा पहली बार देख रहा हूँ सरदार शेर। ओ सरदार सारे शेर ही होंगे ने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माता के सच्चे भगत और गजब के फनकार हमारे चिरंजीवी पर्सनल सुपुत्र श्री करम कुमार मथुरा वाले का जोरदार तालियों से स्वागत। When you hear the rhythm, start to move. Hello. Take a second.
तुम अब तक सो रहे हो? क्या कर रहा था? हम सो नहीं पाए। अरे तमिस कर रही हूँ मैं। मिस तो पापा कर रहे थे तुम्हें। हमने पापा को सारी बात बता दी, कब मिले, कब प्यार हुआ वगैरह वगैरह। मैं काका बताए दो। हमारा दिमाग खराब मत करो, पापा पहुँचने वाले होंगे तुम्हारे घर। शादी की बात करने आ रहे हैं। शादी की बात करना है? शादी की बात करना है? कह के तो नहीं निकले थे, बाकी का पता नहीं। अब उठो, नाश्ते की तैयारी करो। जो बाप अपनी बेटी के ससुराल का पानी तक ना पीते, जो उनमें से डरे। और सुनो, काजू किशमिश बादाम फ्रूट सब रखना नाश्ते में। चले मुक्तियाँ मत रखती हूँ। और हाँ, चाय एक जैसे कपों में रखना, अलग अलग रंगों की नहीं। लगता है बहुत सालों से मरम्मत नहीं हुई है इसकी, बहुत पुरानी हवेली लग रही है। जी जी जी, हमारे बाप दादा के जमाने की है। हमारे बेटे चिरंजीवी करम ने कितनी बार हमसे कही कि पापा किसी आलीशान हवेली में शिफ्ट कर ले, लेकिन हमें नहीं माने। क्यों? है ही नहीं। आज पैसा लेना है इससे, बहुत पड़ता है। जगजीत जी, राधे राधे। राधे राधे, मेरे पैसे दे दियो, दे दियो। हमें कछु जल्दी ना है। एक रुपया नहीं ले लो, पहले की उधारी पहले चुकाओ। हम मेहमानों के सामने तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहते, समझा करो यार। ये तो परी ने मुझसे रिक्वेस्ट की, इसलिए तुम्हारा ये घर देखने चलाया। ना तो तुम कोई जॉब करते हो, ना तुम्हारी कोई जमीन जायदाद है, और बैंक बैलेंस के नाम पे तो नील बटे डबल सन्नाटा है। कैसे सोच कैसे लिया तुमने कि पापा की परी मिल जाएगी? यार आपकी नजर में कुछ नहीं अंकल। कुछ नहीं, सोच के बोलिए, रैपिड फायर थोड़ी खेल रहे हैं। अच्छा, सोच के बोलना है। नहीं भैया, ये कप के रंग अलग अलग क्यों है? एक कपों के रंग ही है। तुमने जो इस घर के बदले 40 लाख रुपए बैंक से लोन लिए थे ना, पहले वो वापस देना, उसके बाद घर वापस आना, समझे? भाई साहब, बात ऐसी है ही कि जे घर गिरवी रख के जो लोन लाओ तो बात तो कोरोना के जरूरतमंदों में बांट दो। अच्छा, मुझसे जो 1 लाख रुपए लिए वो भी कोरोना में बांट दिया? बिल्कुल। अरे तो चाय के कभी रोने उधार ले रखे हैं। अरे इसकी बात हो गई क्या? अरे की बात मत करो, पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे इसने कहा था कि आपकी बेटी के साथ जो दहेज आएगा उससे हमारा उधार वापिस करेगा। पूछो इनसे, कही थी कि नहीं कही थी? रिश्ता इस घर से, इनका कोई घर ही नहीं है। अंकल अंकल अंकल, कोरोना के टाइम पे सारी दिक्कत होगी, उससे पहले पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, जगराता माता रानी का काम है ना, माने, लेकिन जगराता जॉब है, ये जॉब है। आसान लगता है जगराता का, मोहम्मद रफी से मोहम्मद अजीज तक, जगजीत सिंह से अरिजीत सिंह, किसी ने जगराता नहीं किया। इंटरनेशनली जस्टिन बीबर, शकीरा, BTS, इतना टैलेंट नहीं है कि जगराता कर पाए। करोड़ों रुपए लेकर 2-4 गाने गाना आसान है, लेकिन 3100-3200 में 15-20 भजन बेटे मोहल्ले की औरतों को लेकर डेली डांस करना आसान नहीं होता सिवा सबका, और चप्पल चोरी हो जाती है वो अलग। जगराता करने का आशीर्वाद माता रानी हम जैसे चंद किस्मत वाले को देती है। नहीं जी, ऐसी मान किस्मत वाला दामाद नहीं चाहिए मुझे। सच्चा प्यार किया आपकी बेटी से, सच्चा प्यार, ट्रू लव। देखो, अच्छी नौकरी, बैंक अकाउंट में 25-30 लाख रुपए और स्वयं का घर, ये अगर कर सकते हो तो करके दिखाओ 6 महीने में, बाद में बात करेंगे। चलो, रोडी चल रहा है यहाँ पर, टास्क दे रहे हो मुझे। 6 महीने में नौकरी नहीं मिलेगी श्रीवास्तव साहब। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो हम भगवान को ढूंढ लेते। नहीं, आप रहने दीजिए, जितनी आपकी उम्र है इस टाइम तो भगवान ढूंढ रहे होंगे आप। तुम्हारे घर पे निवास कर लेते, तुम्हें पुण्य को लाभ भी मिल जाएगा। राधे राधे। समझ गया। लेकर आ तो इनके कदम पता कितने लगे। आगरा में नया होटल खुला है, उसके लाउंज एंड बार का मैनेजर लग गया हूँ। अब तो फिर इनको उसी होटल में ले जाना, अगर ये अंदर आए तो इन्हें मेरी लाश पे से गुजर जाऊंगा। समझ रहा ना तू? मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, ना मैं तेरी बातें नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, मैं जाने नहीं दूंगा।
बेटा तेरे बाप का टेरर इतना है। ओ अंदर गए ये रानी पकड़ में ना आएगी ना लाइफ में ना कैरम में और 25 लाख का जुगाड़ अलग। भाई तू टेंशन क्यों ले रहा है यार, मैं हूं ना ये देख। तू साला बहुत शेख की औलाद है। शेख की औलाद? तुमने नहीं बताया कि सरदारों में भी शेख होते हैं? हम मजाक कर रहे हैं यार। अच्छा मजाक था, बता दिया करो ना, कम से कम इंसान हंस ले। परी अचानक ये कह, पापा ने कहा ना कि अकाउंट में 25 लाख चाहिए। ये पान कौन थूक गया? इसे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं। ये आम के छोटे छोटे मुंह निकले हुए, दशहरी है ये। हाँ मालियो बेबी, आई डिड नॉट न्यू कि तुम पेंट भी करती हो। बेबी पता तो है, राइटिंग डांसिंग सिंगिंग के अलावा मुझे पेंटिंग का कितना शौक है। बड़े बड़े पेंटर्स जैसे MF हुसैन साहब, उनका एक बनाया हुआ घोड़ा ना 25-30 लाख का बिक जाता है। तो मैंने 4-4 घोड़े बनाए, 10-15 लाख में तो बिक ही जाएंगे। ओ अच्छा, तो 5-7 लाख में तो असली घोड़ा आ जाता है, वो भी प्रॉपर साउंड के साथ। क्या कुछ ना कह रहा हूँ बेबी, मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करता हूँ। तुम्हें अपने घोड़े बेचने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब ढूंढ लूंगा ना। 400 रुपया की एक बियर, ये बियर अंगूर की है, नारंगी की है कि महुआ की? अरे फ्री की है, कटक लो। चिड़का है, रिपीट कर। अबे ये क्या है, रोड लोग देख रहे हो इतने सारे? भाई ये तो कुछ नहीं है, यहाँ लोग अपनी गोल्ड की चेने, अंगूठियां, स्कूटियां सब लुटा देते हैं। इनको पैसों की कमी नहीं है, कमी है तो बस प्यार की, अपनेपन की। किसके पास बीवी नहीं है, किसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, किसके पास दोनों है। और कुछ बुढ़े तो सिर्फ आग सेकने आते हैं। वो देखो सामने, शक्ति बिल्कुल नहीं बची, लेकिन शक्ति का पूरा बचा। मैं नहीं बनूंगा बार डांसर। फिर वही बात यार, 2 बार वैष्णो देवी, 2 बार गोवर्धन जाकर मन्नत मांगी इन्होंने की लड़की पैदा हो गए हम, उसको भी लड़की बना दियो। अब तुझे क्या लड़की, मैं अपने शौक पूरे करने के लिए बना रहा हूँ, तेरी लाइफ भी सेट हो जाएगी। ऊपर ले जा। ठीक है अच्छा, 3,000 पर नाइट और टिप का पैसा अलग, 8-10 हजार डेली का है यार। और अगर कस्टमर्स को तेरी अदाएं पसंद आ गई जो कि आएंगी, 20-25 हजार पर नाइट तक भी जा सकता है मामला। और जो पहली बार नहीं बनोगे, बचपन से तू कभी सीता कभी राधा कभी द्रौपदी कभी पारोवंतर, और बचपन में नाटक मंडली में था, हॉबी थी कमाई। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी हॉबी उनकी जॉब बन जाती है। इस दिन के लिए पढ़ा लिखा था तुमने? हमें बार के पेमेंट का आइडिया ना है तो बेटा, वरना हम तुम्हारी पढ़ाई पे 1 रुपया खर्च नहीं करते। कैसो बाप है, कैसो बाप है, मुझे पैदा होते इसका गला घोड़ देना चाहिए था। मैं ना बनूं लड़की, चाहे जो मर्जी हो जाए। अरे बेटी बेटी, ए करम, ए लल्ला, ले बेटा बात करो। कोई क्रेडिट कार्ड मत। अरे 3-4 महीने से बिल नहीं भरो, 6-7 बार फोन कर चुका बेटा पापा, बात करो। ए, मैं लेना देना बैंक से टाइगर पांडे बोल रहा हूँ। आपको इतने कॉल किया, कॉल क्यों रिसीव करते हो? टेल मी नाउ। हेलो, अब 36/24/36 रंग साफ, कद 5'9" कटीला बदन, सेमी अट्रैक्टिव, 24 साल की उनकी जवान बीवी बोल रही हूँ। मैडम आपकी आवाज और फिगर एकदम कड़क है, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? Because the nation wants to know. इतने सारे फीचर्स होने के बावजूद भी एक पति अपनी पत्नी को छोड़कर कैसे जा सकता है? क्या? कहाँ गए आपके पति? I don't know. एक हफ्ते से घर नहीं आए। काश मैं विधवा होती। पता तो रहता पति कहाँ गया है। देखिए, आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल 3 महीने से भरा नहीं। एक हफ्ते से मेरे मामे सिंदूर नहीं भरा, तुम्हें बिल की पड़ी है? समझ नहीं आ रहा कौन भरेगा। देखिए आप बुरा न माने तो मैं आपकी मांग भर देता हूँ। मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा, बिल कौन भरेगा? अरे आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं एडजस्ट करवा दूंगा वो। आर यू सीरियस? अरे व्हाट्स योर नेम?
टाइगर, टाइगर पांडे। टाइगर पांडे, नाम से ही लगता है कि पर्सनालिटी होगी आपकी। लंबे बाल, टॉल, डार्क, हैंडसम, होलसम, उफ। जी बस उसी के आसपास समझ लीजिए। वैसे आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े, चाहे दिन में क्यों ना पड़े, याद जरूर कीजिएगा। I'm just a missed call away. हेलो हेलो बाप बेटा, बाप 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 बेटा, तू अपनी इस आवाज से श्रीलंका तक को लोन माफ करवा सके लला। ये है ना, हाँ शुक्र है पिछले घंटे चौकीदार रहा है। रुको रुको, तो 5 मिनट रुको, मेरे को नहीं है, जल्दी आइयो। ये भेज लो। अरे फिर से पेंटिंग्स, फिर से पेंटिंग्स, इससे पीछे से कुछ ना होगा। माना पैसे की लत चल रही है, पर मैं करूंगा जुगाड़ अपने बलबूते पे। करम, इसमें पेंटिंग्स नहीं है, ज्वेलरी है। एक ज्वेलरी का काम बचा था, वो भी शुरू कर दिया। अरे वैसे देखो, श्रीवास्तव सुनार बनते अच्छे ही ना लगते। चलो करम, इसमें हमारी माँ की ज्वेलरी है। माँ हमेशा कहती थी कि एक अच्छे लड़के से शादी करना और ये ज्वेलरी पहनना। पर मैं जानती हूँ ना कि अगर मेरी माँ यहाँ होती तो वो ज्वेलरी और अच्छे लड़के में से अच्छे लड़के को चुनती। इसे तुम ये बेच के पापा की सारी शर्तें पूरी कर देना, हम बाकी शादी नहीं करेंगे। तो हमारा रिलेशनशिप के लिए मेरी माँ की ज्वेलरी बेचने पर निकली थी। मिडिल क्लास लड़कों में ना अलग ही क्लास होती है, कोशिश पूरी करते हैं और अति जुगाड़ू होते हैं। करेंगे कोशिश तुम्हारे पापा की एक शर्त मानने की। साजन तिवारी, दो बच्चे और 4 बार के मालिक हैं। हल्के में दे रहे, तू उठ के सो जा, चल बस। हाँ सर, शाम की नमस्ते। नमस्ते सर, ये पूजा है मेरी जानने वाली। लॉकडाउन में जिन बिचारियों की नौकरियां गई है ना, उनमें से सबसे बड़ी बिचारी है। ओ माँ बचपन में गुजर गई थी और बाप अभी आपके पीछे से गुजरा। जी हमारी बेटी, इसने कही कि आपके ऑफिस में डांस गर्ल की जरूरत है, स्वामी से लेके आए। जी बाबूजी, आपने बहुत सही कही। देखो वैसे तो हमारे यहाँ डांसर बहुत, अब जी बताओ जामे का खास है। अंकल जी, जे फिरंगी है, आजादी के पहले भी इनको आप देख रहे हो, लेकिन जे मेड इन इंडिया है, देसी है और बहुत अच्छा लगती है।
और परसों ऑल इंडिया रेडियो पर नाचती रही, इसलिए बहुत अच्छी डांसर भी है। एक्चुअली स्मार्टफोन से ज्यादा फीचर्स ऊपर वालों ने मुझ पे दिए हैं। मैं कस्टमर से वो नोट भी निकलवा लूंगी जो ये बारगल्स नोट बंदी में भी निकलवा नहीं पाए। आप बस एक चांस दे के देखिए, दिखाओ बस दिखाओ। की नमाज, जुम्मे की नमाज, कुर्ता पजामा और सर पर टोपी। चचा लगे अचार निकाबी करवा दो, सारे प्रॉब्लम आपको हम मासूमों में नजर आती है बस। नो चैट, गलत बात है। चैट? मैं तुम्हारा चाचा हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप? तुम अगर मेरे मरहूम भाई के बच्चे नहीं होते ना तो गलत इल्जाम लगाकर तुमसे जेल में चक्की खिंचवा। ये सकीना ने भी तो करा रखे हैं, देखो। हाँ, इसको क्यों नहीं बोलते हो? अरे सकीना कल बच्चा पैदा करेगी, तुम करोगे? एक ही है जिसकी वजह से मेरे खानदान की इज्जत बची हुई है। लुट गई अबू जान, आपकी इज्जत लुट गई। प्लीज खोल दो मेरे को यार, प्लीज खोल दो, प्लीज खोलो यार। किसकी मैयत? कौन मर गया है? ये मर गया आपकी बेटी। क्या इरादा तुम लोगों का? छोड़ो, खोलो यार। जबरदस्ती है ये? कौन है? मुझे लगता है ये पंजाबी है। लगता नहीं, ये है पंजाबी है, लेकिन है कौन? ये इस्माइली है, इसका चक्कर शकीना के साथ चल रहा है। अब डैडी सलाम अलैकुम। आगरा का बहुत ही पुराना और नामचीन घराना है हमारा। जी पता है। अच्छा, कोई भी ऐसा कह रहा हमारा दामाद बनेगा क्या? और ये जानते हुए भी कि सकीना अलग मजहब की है, हमारी बेटी से मोहब्बत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जी मुझे पता नहीं था पहले कि सकीना मुसलमान है। तुम्हें क्या लगा सकीना नाम की लड़कियां जापानी होती है? नहीं नहीं
ये पीछे कौन घूम रहे इतनी देर से? सकीना के दादाजी है। इनका रुकने का टाइम क्या है? क्यों, तुम्हें बैठ के कहीं जाना है? बोलोगे तो कहीं जाऊंगा ना। चुप, एक बात बताओ, ऐसे क्या खास बात है तुम्हें जो अब हमारी बेटी का निकाह तुमसे करे? मैं खुश रखूंगा इसे। अरे मेरी बेटी तो कपिल शर्मा का शो देखकर भी खुश हो जाती है, तो उसकी शादी का कपिल शर्मा से कराए? करवा दो है? लेकिन एक बात याद रखना, कपिल सिर्फ हफ्ते में दो बार आता है, वो भी पूरी टीम और एक जज के साथ। मैं अकेला आऊंगा, सातों दिन 24 घंटे, वो भी बिना ब्रेक के। क्यों सकीना, यू लव मी ना? बेटे, हम उन लोगों में से नहीं है जो धर्म और मजहब के चक्कर में दो प्यार करने वालों के खिलाफ हो जाए। अब हमें अच्छे लगे, खोल दो। थैंक यू डैडी। आप दोनों की जोड़ी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही। थैंक यू। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? हम सकीना की शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक शाहरुख की शादी ना हो जाए। तीन बच्चे उनके शादी हो चुकी है। शाहरुख खान नहीं, मोहम्मद शाहरुख, मेरे बड़े भाई। अच्छा सॉरी, तो कब है मेरे साले की शादी? मसला ये है कि 6 महीने पहले ही उनका ब्रेकअप हुआ था, तब से गहरे डिप्रेशन में चले गए। तो डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने कहा किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सेकंड ओपिनियन ले लेते। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सारे ओपिनियन लिए। जो हमारे शाहरुख को डिप्रेशन से बाहर निकालेगा उसको 10 लाख का इनाम मिलेगा। 10 लाख? 10 लाख। तो एक काम कर, एक झटके बना मेरे जिस्म का सोना कर दे। एक झटके में 10 लाख रुपया मिल जाएंगे बेटा। भाई मैं फुल चौड़ में बोला हूँ कि तू बहुत बड़ी साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट की स्पेलिंग पता है? साइकेट्रिस्ट है बहुत बड़ी, पी से शुरू होती है उसकी स्पेलिंग। क्या बात कर रहा है? सी से ब्यूटी? साले सी से सब एक ही चीज शुरू होती है, वो है तू। हाँ, क्यूट तो मैं हूँ। अरे क्यूट नहीं, चुप पागल आ गया तू? अरे 12वीं पास हूँ मैं, रायता फला के आ गया हूँ साइकेट्रिस्ट में। ओ हेलो बॉय, एक्सक्यूज मी, बाहर वाले से तो बेटर प्रोफाइल है ना? क्यों अंकल? अरे नाच गाना लचक मचक, इस साइकेट्रिस्ट लोगों के ट्रीटमेंट का हिस्सा ही तो होता है। इलाज गाना लचक मचक, उससे उसका डिप्रेशन ठीक ना हुआ तो? उसकी बहन की शादी तभी होगी ना मुझसे जब उसका भाई डिप्रेशन से निकलेगा। यार बेटा समझने की कोशिश करो, इसकी बहन की शादी नहीं उसकी। हाँ वो ओ बेटे, ये तो बहुत ही अमीर लोग लग रहे हैं। तूने कभी गरीब का बच्चा डिप्रेशन में जाते हुए देखा है? मैं हूं ना। इनका सबसे बड़ा बेटा। तो आप हैं डिप्रेशन में? उम्र बढ़ जाए, हाइट ना बढ़े, बंदा डिप्रेस हो ही जाता है। नहीं नहीं, आप मेरी पर्सनालिटी पर मत जाओ मोहतरमा, मैं ऊपर से लेकर नीचे तक नॉर्मल हूँ, पेशेंट अंदर है। सकीना जी, इनको शाहरुख के कमरे में ले जाओ। नहीं नहीं नाना, नहीं नहीं, नो नो, नन ऑफ द अबव। इतना कॉम्प्लिकेटेड नो? मैं किसी कमरे में नहीं जाऊंगी, पेशेंट यहाँ आई कॉल। देखो तुम्हारी लाइफ में कौन था कौन नहीं ये सब नहीं पूछूंगी, बस ये पूछना चाहती हूँ कितना प्यार करते थे उससे। ओके, किसने किसको प्रपोज किया था? गाना गाया करते थे उसके लिए? चलो मैं तुम्हारे लिए गाना गाती हूँ, सुनोगे? गुटका खैनी दबा के बैठे हो क्या मुंह में? वाइस में तेरी गलती नहीं है, कुछ चेहरे होते ही मनहूस हैं, एक दांत नहीं निकालता। 10 लाख के हिसाब से एक दांत का हुआ 31,250 रुपए। 5-7 दांत भी निकाल देना, 1-2 लाख का जुगाड़ हो जाए। पर नहीं तो छोड़ ना यार, मैं कोई और ढूंढता हूँ। छोड़, गावत कर रहा हूँ भाई, तू किसी और को काम दे गए।
पर काम नहीं, तेरी शादी के लिए कोई और ढूंढ लूंगा। छोड़ ना परी को। अबे तू जानता नहीं है मेरे परी के प्यार को और पूजा के जन्मों को। अच्छा मैं अपनी पे आ जाऊं ना तो अबू सलीम को पटा कर शाहरुख की अम्मी बन जाऊं। अब देख उस शाहरुख के 32 की जगह 36 दाने लगाऊंगा। पूजा ही इस घर की बहू बनेगी। डैडी जान, मैं आपका सौतेला बेटा हूँ, लेकिन आपने मेरे बारे में इतना सोचा। थैंक यू डैडी जान, आई लव यू अपू जान। फिर से शराब पी रखी? कितनी बार कहा शराब मत पिया कर। तुम्हारे इसी हरकतों की वजह से तुम्हारा निकाह नहीं हो रहा है। हम शाहरुख का निकाह पूजा से कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूजा से ही क्यों? तो मैं शाहरुख के लिए कोई और लड़की ढूंढ देता हूँ ना। मेरी जलंधर वाली बुआ की बेटी अमनप्रीत ताजी ताजी कुआं से निकली है। क्या सही जोड़ी जैसे के बताओ। आप तो फाइनल करो। कोई फाइनल नहीं, पूजा एंड ओनली पूजा। ठीक है लेकिन। लेकिन क्या? नहीं जाने दो, आपने ठान लिए तो। अरे लेकिन क्या बताऊ ना। जी मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन इस घर का दामाद हूं, होने वाला दामाद हूं, और मेरा फर्ज बनता है। पूजा ना एक नंबर की कैरेक्टर लेस है। क्या? हाँ और तो और 15 साल की थी जब उसने पहला बॉयफ्रेंड बनाया था, पता है किसे? सब्जी वाले को।
वेज आदमी से नॉन वेज बातें करती थी। बस बस के कंडक्टर बस मैंने चुप करो, आगे नहीं सुनना। और हमारा शाहरुख भी ऐसा ही है, इसलिए तो बाहर से रिश्ते नहीं आते। सर आप समझ क्यों नहीं हो, जब तक शाहरुख की शादी नहीं होगी तुम्हारी शादी सकीना से नहीं। शाहरुख की शादी कराओ और अगले दिन अपनी बारात में करा जाओ, जाओ। अबू डैडी पूजा को शाहरुख से निकाह के 50,00,000 रुपए दूंगा। शादी करने के 50,00,000 कड़क कड़क नोट मिलेंगे। कड़क नोट, कड़क नोट देकर वो साला रात भर जो मेरे खुले करेगा वो। हाँ यार ये बात तो मिस हो गई फिर। पर भाई कैसे भी करके एक रात निकाल लेना, मैं अगले दिन आके स्किनर से शादी कर लूंगा और तू भाग जाएगा ना वहां से। यार बोल देंगे लड़की फ्रॉड निकली, भगौड़ी निकली। से तू परी को पता चल गया तो क्या सोचेगी वो? अरे कौन बताएगा उसे? नहीं मतलब तू अपने फायदे के लिए बाहर गर्ल बन सकता है, लेकिन भाई जैसे दोस्त के लिए तू इतना नहीं कर सकता। एलल्ला डील बहुत ही बढ़िया है, वेरी गुड डील। अच्छा तो तुम कर लो। हम 5-6 साल पहले की बात होती तो हम अवेलेबल हो जाते। इतनी बड़ी रकम एक रात में। कितनी बड़ी रकम मिल रही है एक रात में? कौन दे रहा है? परी तुम यहाँ यकायक कैसे? पापा पूछ रहे थे करम का काम कुछ आगे बढ़ रहा है, इसी सोचा पूछ लेती हूँ। राधे राधे अंकल। राधे राधे बेटा, जाए समझाओ। एक रात के इतने पैसे मिल रहे हैं, मतलब गाना गाने के पर जिमानी नहीं रहो। क्यों क्यों नहीं गा रहे? नहीं गाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो लोग कुछ बजाने को ना बोल दे यही सोच के घबराहट सी हो रही है। तो उसके लिए अलग से पैसे ले लो। क्यों अंकल? अरे वाह वाह बेटा बेटा, वी आर वेरी प्राउड फीलिंग योर अराइवल माई होम एज बाउंड। भूल गए करा, जितनी जल्दी पैसे बनाओगे उतनी जल्दी मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। मैंने तो बचपन में ही सोच लिया था पापा कि बड़ों के दुल्हन ही बनूंगा। लोगों से उधार मांग मांग के मांग बनने की नौबत आ गई है सिर्फ इसकी वजह से। माय प्लेजर भाई। घंटा प्लेजर बड़ा क्यों रहा है यार? जो तू मेरे कर रहा है ना, मेरा अपना सगा पर्सनल भाई भी ना करता। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तेरा एहसान कैसे उतारूंगा यार। एहसान उतारने से पहले लहंगा ना उतार लियो। एक बात बता, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? छोटी सी सिंपल सी शादी कर लेते, इतना बड़ा रिजॉर्ट। रिजॉर्ट बड़ा नहीं है, तुम सदियों के भूखे हो। अरे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, एक दर्जन में 6-7 के लिए खरीदते हैं। और हम जैसे गरीब लोग संतरा खाने के मौसम में सीने से लगाए घूम रहे हैं। छोटी बहन है और अगर बड़ी भी हुई तो 15-20 मिनट बड़ी होंगी। आपकी जरा नवासी है, बस बड़ी बहन से ही रूंगा। भाभी कब तक तैयार होंगी? जी बस हो ही गई है बड़ी मुश्किल से। ये शायद तुमने बंद करवाई? शुक्र करो कि निकाह नहीं बंद करवाया। जब आपको पता था कि पूजा मुझसे प्यार करती है, फिर भी आपने पूजा की शादी अपने असली बेटे छुट्टन शाहरुख से करवा दी। फिर से भी रखी बीवी है, रखी भी है। तुम्हारी इसी हरकत की वजह से तुम्हें कोई पसंद नहीं करता यार। पूजा इन हरकतों को पसंद करती है, पता है? पूजा की आंखों में मैंने मेरे लिए वो हवस देखी। चमक आई।
अगर तुम्हारी सौतेली जबान से पूजा का नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बॉटल से बिछड़े हुए ढक्कन को जान। भाभी जान कुछ ले आ गई है, खुजाते भाई अपना अपना खुजा है, पीट तो कुछ ले आ गई है। नीचे 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 निकलते नीचे निकलते। दो घंटे में दाढ़ी आ जाएगी, रेजर का इंतजाम करती हूँ। सरदार से रेजर मांगते शर्म नहीं आता। अबे ये तो लीगल एरिया में हाथ डाल रहा है, इसके लीगल के पास चलते हैं। क्या कर रहे हो? शक कर रहे सरदार पे, क्या तू सेल्फी ले रही है? वहां तेरा सरदार दो दो चैनल पकड़ रहा है, हमने देखा है भाभी के साथ। तेरा ढाबा बाहर डाल लूटी बांट रहा है। वो दोनों दोस्त हैं। एक मिनट, आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन। अबूजान मेरी लव मैरिज के लिए मान गए, दैट्स व्हाई यू बोथ आर बीइंग जेलस। देखिए खुदा के फजल से बड़े ही पाक वक्त पे निकाह हो रहा है, ये रिश्ता सदियों सालों तक चलेगा। ओ काजी अंकल, निकाह के पैसे लेके भविष्यवाणी ना करो, निकाह पढ़ाओ जल्दी। अबू सलीम के फरसंद शाहरुख से आपको निकाह कबूल है? पूजा अच्छा ही जागू पूजा है। अरे बोलिए ना, कबूल है कि नहीं? कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे वाह, और आपको? कबूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। स्वर्ग की अप्सरा भी आई है ना? आला शट अप। जया क्या कर रहा है भाई? मुझे क्या पता, मैंने थोड़ा ना बुलाया। हाय मेरे को ना गैस हो रही है, मैं कुछ खा के आता हूँ। अबे रुक 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 ना, आता हूँ, छोड़ के चले गए। अरे दादाजी आगे चलाते हैं, छोड़ दो प्लीज, थोड़ा तेज चलाओ। ओह बधाई हो, बधाई हो। किसने इनवाइट किया यहाँ? निकलो। अपनी बहन की शादी में भी इनवाइट नहीं करते ना, तो जिंदगी बर्बाद नहीं होती हमारी? अरे बाप बाबा, तुम्हारे जैसे लड़के को कोई गाली नहीं दे, लड़की कितने दे दी? जैसे हमने अपनी बहन दे दी बिना गाली दिए। बहन की गाली दे देते, बहन चो दे दे। निकालिए इसको, कोई मुंह दिखाई नहीं, चल यहाँ से। अच्छा, तलाक के पेपर बन रहे हैं, कल हमारी वकील आएगी, मुंह पे मार दी जाएगी। हाँ तो भिजवा दे, मैं साइन कर दूंगी। और सुनो, क्या है? आइसक्रीम को काउंटर लगाए को नहीं लगा? विधि का विधान है का? पापा, कैसे रहूंगी आपके बिना? हम भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। खानदानी भुगलिया के नवाब से अगर आप बुरा ना माने, क्या मैं एक रात के लिए इसके साथ चल सकता हूँ? देखो मेरी बेटी पहली बार अकेली जा रही है, मुझे बहुत चिंता सता रही है। क्या बॉर्डर पे जा रही? नवाब साहब बॉर्डर पे जाने से कम थोड़े है। जाने दीजिए ना अपू डैडी, बस एक रात की तो बात है। ठीक है चलिए। पहले हम इनसे 50 लाख रुपये धरवा लेंगे, पता नहीं बाद में कैसे मुकर जाए। सही बात है। अरे का फोन, संभालो से ना, उठो उठो। बाबू कहाँ हो? बाबू नहीं, बाबू के बाबू जी बोल रहे। राधे राधे अंकल, करम कहाँ है? मनमोहन और गिरधारी से विनती करियो, आज वो अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस परफॉर्मेंस देने जा रही है। जा रही है? जो परफॉर्मेंस देने जा रही है हमारे बेटो करम, उसके साथ डुएट गाने जा रहा है। सब बंद हो जाओ, शाहरुख भाई जान आपका इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख के ऊपर इतने पोस्टर लगे, अजीब बात है।
कौन है? पूरा शकुन है। हो, सॉरी मैं दूसरा ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैंने गोली खा ली। गोली? कौन सी गोली? नींद की। क्यों? ओ माय गॉड, आज हमारी फर्स्ट नाइट है, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे। क्या आप इस तकाह से खुश नहीं है? इतनी बड़ी हवेली और बाथरूम में छिपकली। हेलो, आवाज आ रही है? अबे दो मिनट होल्ड कर, बहुत जोर से लगी है। इतनी रात को कौन और पानी कौन देगा? दिमाग खराब हो गया सारे। और कैसी रही फर्स्ट नाइट? अबे सुबह जल्दी आ जाइयो। अरे तू टेंशन मत ले, तेरे खुलने से पहले आ जाऊंगा। जब फौज हाथों से लड़ा करती थी। गलत बात है, बहुत गलत बात है। नवाब साहब, आपने पहले कभी बताया नहीं? हमें सुबह सुबह पता चला। आपको को बता के गो, रात भर हमने नोट गिने, 50 के बदले सिर्फ 25 निकले। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहाँ हमारे दादाजी का इंतकाल हो गया और आपको पैसों की पड़ी? कल रात तक तो ऑन थे फुल स्पीड में। आपको बैलेंस चाहिए ना? बैलेंस चाहिए ना? देखते हैं आपका बैलेंस। जिससे पहले दे दो, तुम्हें ससुर है हमारे। इस गर्भ की आग में साथ दे। ये दादाजी को क्या हुआ? वह खाना जा रहे थे। क्या खाने जा रहे थे? खाने नहीं बहू, बहाने जा रहे थे। हाँ? बड़ी जोरों की लगी थी। इतना जोर लगाया कि जान निकल गई। जब किसी की मौत होती है तो 6 महीने तक कोई बाप काम नहीं होता। क्या? कितने महीने? 6 महीने तक। इसे क्या हुआ? या अल्लाह, ओ अल्लाह, दादाजी कहाँ चले गए? क्यों चले गए? किधर चले गए? अब भी क्यों गए? इतनी देर से समझ में आ रहा है? पहले तो रोई नहीं तुम? आपको नहीं पता है कि मौत की वजह से कितनी जिंदगी बर्बाद हुई है? और अबू डैडी गली में ब्याह किया यहाँ पर, और आज दादाजी कट लिया। मुझे लगता है मैं ही मनहूस हूँ। मैं यहाँ पे रहना किसी को भी नहीं करती। मैं जा रही हूँ। सुनो सुनो, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। गलती है? अरे भाभी जान, जाने से पहले ये तो देख लीजिए। दादाजी ने मरने से पहले दीवार पे क्या लिखा है देखो। आखिरी ख्वाहिश थी कि बहू का लड़का हो या लड़की भी लिख सकूं। यही बताने वाली थी कि जिस घर में बच्चा मियां बीवी की बजाय दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पैदा किए जाते हैं, उस घर में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। अरे सुनो, मत रुको, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं नहीं जा सकती, दादाजी को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। दादाजी, दादाजी अब क्यों चले गए? आप कौन? मैं लॉयर परी। अबू, दादाजी मर के बादलों तक नहीं पहुंचे और आपने वसीयत के लिए लॉयर बनवा दिया?
नोटा वाला प्लॉट मेरा। आई मीन मैं साजन जी की लॉयर हूँ जो तलाक के पेपर्स भेजा। तलाक? मैं अब भी साइन करूँ। अरे क्या लगा रखा है, शादी में जल्दी, बच्चे में जल्दी, तलाक में जल्दी, कितनी जल्दी क्या है? ए, हम आपको भिजवा देंगे। डेथ हो गई क्या? नहीं दादाजी, डेड बॉडी खेल रहे। परी को और धोखा नहीं दे सकता, सब कुछ बात सच से बता दूंगा। कहाँ हूँ आजकल, 6 बार कॉल कर चुकी हूँ, मुझे रुमाल क्यों बांध रखा है? तुम्हारे पापा ना देख ले इसलिए, चलो यहाँ से। आज कुछ बताने वाले थे ना? मैं? हाँ 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 नौकरी लग गई है, घर छुड़वा लो अपना। अच्छा? हाँ। ऐसा क्या काम है जो इतनी जल्दी इतना पैसा? बहुत ही इजी और मजेदार काम है, कस्टमर का काम करो, सेटिस्फाई करो, पैसे लो, कभी कभी बोनस भी। कैसी रही? तो किसका पैसा अलग होगा? आपका पैसा अलग और बाकी चीजों का अलग। मतलब करम उस रात उस आंटी के साथ जगराते पे मिलना। अरे पर अब जे जे का पापा ने पैसे कमाने के लिए कहा था, जे सब करने को नहीं। जे सब का आज के बाद ना मैसेज करना ना कॉल करना। आई हेट यू हेट यू हेट यू एक तो बाबा हेट यू बोलते हैं। ए किस्मत वाले दामा। नमस्ते अंकल। ए ठीक है ठीक है, ये चुम्मा चाटी केंद्र नहीं है? क्या मतलब आपका? ये कि टमाटर सॉस लगा है उम्र। नहीं बन रहा हूँ पूजा पूजा, एक तो मेरी गर्लफ्रेंड, ऊपर से वकील, इतना शक करती, कॉल नहीं उठा रही मेरा, कुछ नहीं हो गए। वे तू पागल है क्या बेटा? बाकी के 25 लाख धरे के धरे रह जाएंगे। अरे यार 25 लाख छोड़ो, अगर उन्होंने हमें फ्रॉड के केस में अंदर रख दिया तो? कुछ रात की बात है भाई मेरे। दिन नहीं बोल सकता? जिनका मूड होता ना वो दिन रात नहीं देखते। हेलो हेलो, मैं तुम्हारा टाइगर बोल रहा हूँ। फोन किया ना, वो जो तुम क्रेडिट कार्ड को बिल दो ना। मैंने बात दो बहुत भरे बैठे हो, क्यों भरा आपने? अब तुम्हारी मांग तो भर नहीं सकता था, सोचा बिल ही भर दो। भैया रोटी? हाँ खा ले खा ले खा ले। वो माँ के यहाँ का ऑपरेशन करवाना था, उसके ना पैसे रखे थे तो उसी में से हम निकाल लिए। हाँ, आपने अपनी ही माँ की आँख कर ली। अरे माँ को एक आँख से प्रॉपर दिखता है तो दूसरी आँख का ऑपरेशन आराम से करवा लूँगो। और वैसे भी तुम मुझसे अलग थोड़ी हो। सच कहूँ ना तो तुमसे मिलने को ना तुम बहुत मन कर रहे हो। मैं नहीं मिल सकती, मेरे पति वापस आ गए। क्या कब कैसे क्यों आ गए वो मनोज? पूजा तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे सोफे पे वेट कर रहे, किससे बात कर रही हो फोन पे? खौफ करो, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, आप जानते हैं ना हम कौन है? नवाब साहब हम आपको बता दें भाई। कब कब बताने वाले थे? मेरे बेटे के निकाह के बाद इतने दिनों तक आपने ये राज छुपा के रखा, आपने बताया क्यों नहीं कि आपका एक बेटा भी है, पूजा का भाई है? नहीं है। नवाब साहब ऐसे भाई होने को क्या फायदा जो बहन की शादी में ना आ सके, रक्षाबंधन में राखी बंधवाने ना आ सके, और अब आया नाथ कीटो जो पूछा तो और तुमने हमसे वादा किया था 25 लाख रुपए देने का, जो नाथ कीटा कह रहा वो आने चाहिए। नवाब साहब जो इसके मुंह के ऊपर मारो कैच 12.5 लाख रुपया। पूजा को ATM है कि मुंह पे मारिए कैश? सलाम वालेकुम, मैं शाहरुख की छोटी बहन जैसी बुआ हूँ। जुमा ने बंद करना है। हमारी बहू पूजा कहाँ? भाभी जान। अरे गुस्ताखी माफ हो, ये दोनों भाई बहन का बचपन से ही बहुत झगड़ा होता था, अब
अभी अभी झगड़ा करके निकली है वो, हम फोन कर रहे, फोन ही नहीं उठा रही, बहुत जिद्दी है साहब, बहुत जिद्दी है। घबरा गया था कि कहीं कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ उनको फोन। शक्लों के साथ साथ दोनों का फोन भी सेम है, इसका लेके अपना छोड़ के बताओ। लाइए अपना नंबर लाइए। अबे ओ सस्ते हुआ यू। हाँ उम्मीद से बात कर रहा हूँ, मैं किसी एरे गहरे अननोन बंदे को अपना नंबर नहीं देता। एरे गहरे तो ठीक है, अननोन का क्या मतलब? तमीज नामक कोई चीज नहीं है तुमने? शतरे नवाब साहब जो बचपन से ये सोचो, पैदा होने के एक डेढ़ साल तक हमसे बात ही नहीं करी थी। तो उसमें तो कोई भी नहीं करता है। जब सही लेकिन अब करेंगे। अब ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिए पूजा के आते ही आप हमारे घर भिजवा दीजिएगा, मैं इन दोनों की बातचीत कराऊंगी। चलिए कपड़े हैं आपके पास? आपसे पूछना ही भूल गई, आप चाय लेंगे या कॉफी? दारू, दारू भी होगा, बनाइए। दारू तो हमारे मजहब में गुनाह है, आप कहें तो निगाहों से पिला दूं। वैसे मार्केट में अफवाह है, सच है या झूठ मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं कि मेरी आंखें रेखा से मिलती हैं। एक बात कहूं, आपकी एक आंख दूसरे से बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, रेखा से कैसे मिलेगी? बिलाल, बिलाल। हो गए ना हैरान, हम भी हो गए थे। पूजा का जुड़वा भाई है करम, और ये है तुम्हारे जीजू शाहरुख। जी शाहरुख, तो आज से हम भी सलमान। जे बाप ने पैसों के चक्कर में कहां ब्याह दी बिटिया? इस साले को अंदर किस लाने दिया? साले इसको बोला है? गाली में बोला है, फील करो। पूजा सोना भाई नाम ले, बहन कटकेगा। सोना भाई बार बार नौकरी का दादी पीछे पड़ गए, जे काम फोन लगा दो। हाँ, उसके भाई ने फोन उठा लिया। भैया पूजा को फोन दो ना, सोना भाई साथ में है, स्पीकर पे सब सुन रहे हैं। भैया फोन दो। मैं ना दे रहा हूँ। भैया प्लीज। किसका फोन है बता? सोना जी। तूने किसी के साथ ना फोना? भैया माय लाइफ माय रूल्स माय फोन माय बैलेंस। हेलो सोना जी, मेरे भाई ने आपको कुत्ता कमीना और लोका पट्टा बैठ कटर कटर के तो कहना चाहिए दो कड़ी का निकाल। इतनी तो आपके भाई ने नहीं कही थी। कहा उसने? आई एम सॉरी फॉर दैट। पहले बता देती ना। अरे काम जैसे कंफर्टेबल हो जाओ थोड़ा। बाय बाय। कुछ नहीं कर सकते, आप गर्म पानी की थैली लेके आ सकते हैं। Thank you.
हाँ हाँ पता है पता है, सो जाओ सो जाओ। परी को पता चल गई बाहर हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ उसके पास। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने पापा की परी को यही बुला लिया। या क्यों यार, जब तेरे को लड़की बना देखेगी तो सारे शक दूर हो जाएंगे ना, तेरे मुंह पे लिपस्टिक कहां से आई, समझा? सदा जी पहली दफा सही बात कही तुमने। राजे राजे थैंक यू। यार तुझे बहुत तकलीफ दी ना मैंने, कोई बात नहीं, सीने से लगा के जो सुकून मिलता ना यार, ना तभी वो गरीबों का साला शाहरुख खान तुझ पे फिदा है। अबे हाथ लगा ना, क्या हूं तू कर। ओह माय गॉड, मतलब तुम इंडियन हो गए हाफ एन आवर पहले कैसे आ गए? ब्रो आई एम डीपली हर्ट, शट अप। शक तो मुझे पहले ही था, तो भाभी जान आप भी ट्रॉमे बंद कर। सकीना सकीना मेरी बात तो सुनो यार, सुनो तो सही, प्लीज ऐसा नहीं है सकीना यार। बदतमीज करेगा हरी कर दी, शक सही है क्या मेरा? आज से नो पूजा ओनली करम, तो मजा ही आएगा। अरे तू आ गई, हमने उतारी। अच्छा शर्म ना आई, ऐसी घटिया बात को इतने प्राउड से बोल रहे हो? हाँ उसने लिपस्टिक और आज ये। अरे बात तो सुनो। सुनना क्या है, जो देखना था देख लिया हमने। तुम पैसों के लिए इतने गिर जाओगे करम? नहीं 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 ची। अरे ची क्या, मेरे पीछे मत आना। कहाँ जाए? बाहर में जाओ, इधर जमुना से खुद भरो। हमने उतारी, हमने बोल तो रहे अपनी बॉडी से, बोला बोली अपनी ही बॉडी से उतारी है। सनी लियोनी गदर मचा रहे थी और हैंडपंप कोई और ही उखाड़ रहा। अरे चचा सिर्फ इतना सही तो झूठ, इतना सा झूठ
पूरा जेंडर चेंज कर दिया और इतना सही जो बहू तुम्हें कुछ कह रहा है? नहीं, वो स्कूटी खरीदी, बुलेट निकला, ऐसा कुछ कहने वाली थी? नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि सनी लियोनी की फिल्म देखने भी कोई बुरी बात नहीं है। नहीं नहीं, सनी लियोनी से हमें कोई एतराज नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची है। झूठ झूठ हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब, 2 घंटे 2 बर्गर 3 आइसक्रीम लगी सकीना को मनाने में कि तेरी भाभी और मेरा कोई चक्कर नहीं। भाई पूरा फोन चेक किया उसने, मेरा बैटरी निकाल के तब जाके मानी। तुझे पता है लड़की बनना कितना मुश्किल होता है? उससे ज्यादा मुश्किल होता है लड़की होना। वो से पूछ। बहुत क्लियर हूं। चलो उठ, तेरे को तेरे ससुराल छोड़ से। तुम शाबाश, दोनों भाई चले गए। पता नहीं साले तू इस बार किसके घर छोड़ आए हो। मैं खुद चली जाऊंगी, जाऊंगा। This movie is presented by winluna.com. Mummy jaage, mummy jaage, mummy jaage. Papa, papa, papa. So chal, jaag. Mummy ud gayi, mummy ud gayi. Nahi jaag gayi na? Mummy ud gayi. Main yahan kaise aayi? Aap sadak pe behosh padi thi. Hum uthaye gaye. Ab phool ko kaun nahi uthana chahe? फूल दी बिल्कुल। अच्छा फूल तो हमारी पहली दीदी भी होती, पर गमला के साथ। बाबा आपने पी रखी है? हाँ थोड़ी सी स्कॉच। खुशबू तो संतरा की आ रही है। हाँ वो कभी कभी जरूरत पड़ने पे दो लगा लेती हूँ। आपको तो पता ही है बाहर में डांस फंक्शन होगा। कछु दिना की बात और है, जैसे हुआ तो ना भरा हमें हमारे बच्चन के लिए। मम्मी गोद भी देना तो ठीक था, लेकिन दूध के कैसे ने? किचन में दूध बोलो मैं उसी की बात कर। चल चल बेटा, चल चल भागो। आप माँ बनना पसंद करेंगी? माँ नहीं बन सकती मैं। जी हम पे छोड़ दे। पर मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स हो रही है। उसे मार के शादी कर लेंगे। समाने रात काफी हो गई है, मैं निकलती हूँ। ऐसे घर से चली जाएंगे? हम छोड़ गए आपने का। आप मुझे घर छोड़ेंगे? क्यों नहीं छोड़ेंगे, मैं छोटे मोटे सोन सू तो हम हैं। इस एरिया में रहते हैं आप? हाँ बस वो पिछली गली में। फिर तो आगे निकला है? नहीं, वो घर के सामने रुकना, वोट रुकना इस। करेक्ट। आपका कोई रहता है यहाँ पे? हाँ रहते हैं कुछ मनोज लोग। ओके थैंक्स। अरे वो जाते जाते 3 शब्द तो कह दीजिए। आए है सुसु। हाय हाय क्या कह गई। भूपा चुम्मा जंगल जंगल कैसे लगता है इनके पास पैसे आ गए? करी थी ना पापा, करम कर ली। ओ करियर भैया, एंटर भैया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, राधे 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 राधे। लगता पैसे कमाने के चक्कर में टॉप अप लोन तो नहीं ले लिया? अरे नहीं भाई साहब, अब तो इतना लो है कि हम आपको लोन दे देंगे। आइए लोन ले। अच्छा जैसा सोचा था उससे थोड़ा अलग है, लेकिन चलेगा। पूजा जी। पूजा। कौन भैया, कौन हो तुम? माइंड योर लैंग्वेज, भैया वाली पर्सनालिटी थोड़ी है मेरी। बैंक, क्रेडिट कार्ड, सिंदूर, पति का एडजस्टमेंट, टाइगर। कौन टाइगर? ए
महिला उत्पीड़न केस में अंदर करवा दूंगा कंकाल। टाइगर कैसे आ रहा यार? बताओ ना, मैं तुम्हारा टाइगर, तुम मेरी पूजा। ए छिकरी, टाइगर की फोटो देखी है कब? अंकल शर्म करो, अपनी उम्र देखो, जा के उम्र देखो। है आपकी बेटी जैसी है वो बेटी। बेटी जैसी नहीं, बेटी ही है बेटी। आप जगजीत हो ना? अरे हम है जगजीत, तुम कौन हो? तुम जगजीत हो। आधार कार्ड दिखाएगा? वापस आए गए? हवा दे। अरे जाने की उम्र में आए गए तुम अगर पूजा के साथ बाहर जाओगे ना तो लोग कहेंगे क्या प्यारी बाप बेटी की जोड़ी जा रही है। पूजा को पति ना बोल लो कोई। ए, पूजा पति वाली सुखी पत्ती निकल आ गए। अंकल जी पूजा कौन है? पता नहीं बेटा, किस पूजा की बात कर रहा हूँ? भाई साहब आप किसी गलत जगजीत के घर में आ गए हो। आई एम सो सॉरी माय मिस्टेक्स। देखिए शर्तों के हिसाब से जैसी सारी बातें पूरी हो जाती है उसके बाद ही शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे, वरना हमारी परी के लिए तो बहुत सारे रिश्ते आते हैं रोज। चलो मिस्टर गोल्डी। सोना भाई। सर हिंदी इज नॉट अलाउड हियर। ओह ओके। सो मिस्टर गोल्डी योर किड्स आर वेरी वीक इन डांस एंड इंग्लिश टू। नहीं नहीं नहीं, डांस में भी हो सकता है लेकिन इंग्लिश में अनपॉसिबल। एक बच्चों के होने वाली मम्मी का फोन है। प्लीज टॉक इन इंग्लिश। सॉरी पूजा जी। कहाँ है आप? आई एम किड्स स्कूल इंग्लिश मीडियम, हिंदी नो अलाउड हियर। चलो हिंदी अलाउड नहीं है पर ये वाली इंग्लिश किसने अलाउ कर दी? अच्छा वैसे आज हमारी याद कैसे आ गई? सर नो हिंदी प्लीज। पूजा जी टॉक। आपके जिंदा रहते एक लड़की सुरक्षित नहीं है। कौन महिला? सर विच लेडीज? मैं श्रीमती पूजा साजन तिवारी। श्रीमती पूजा साजन तिवारी। बच्चों स्टॉप योर ईयर्स। मैडम जी हरामखोर को क्या बोलते हैं? मैडम जी बास्टर्ड। और कानून के जज को? ऑनर ऑफ द लॉ। Who bastard put hand on honor of law? Hey, tiger dog ka chipda. From Lena Dena Bank. Achha ye kitne ghante ghante message bhej raha hai ki har ghante phenyl se phone saaf kar rahe ho. Iski behan ka sir. Hold please. Madam ji tujhe behan ke dakke aur londiya baat ko kya kehte hain angrezi? Abhi kyon dimag ke maa behan kar raha hai tu? Chandu saale chaman chira nikal yahan se chandu saala. Hindi manga li dena main kitna maza aaya. अंग्रेजी में नहीं आता। अबू चल अब चुल्लू घर दारू में तू मत। अपने पर्सनल फूफा सगे साजन तिवारी उर्फ सोना भाई अपनी फूफी जुमानी के तीसरे शौहर का पूजा भाभी के साथ चक्कर चल रहा है। सुबह सुबह पीकर आए हो? जिस दिन पूजा भाभी गोद में छोटे छोटे क्वार्टर लेके आएगी तब मानोगे क्या? बस हमारी बहू भोली है, शरीफ है, वो आदमी साला अल्लाह माफ करवा, कमीना आदमी है। कमीना तो है, कभी फूफा फूफी के साथ कभी फूफा भाभी के साथ आहिस्ता आहिस्ता घर की सारी औरतों के अपने लपेटे में ले रहा है। वो तो अच्छा हुआ अम्मी का टाइम में निकल गए, नहीं तो अबू जान निकल जाता। खुदा का खौफ करो मियां, कम से कम भरूमों को तो छोड़ दो। अरे जुमानी भी कैसे कैसे लोगों से निकाह करती रहती, क्या शौक पाल रखा है। देखो बच्चों ये तुम्हारे नए अबू का घर है, जाओ। अबू अबू अरे अरे भैया से एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। अरे वाह
सोच रही हूँ सब खुल के बात करूँ। अरे पूरा खुल के बात करो, आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। मैं आपको कैसी लगती हूँ? बिल्कुल अपन। शुक्रिया। मेहरबानी। दरअसल मेरी शादियां तो 3-3 हुई हैं, पर हकीकत में मुझे सच्चा प्यार ही नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे शादी की बात करने आई हूं। शादी? ए बड़को, बहुत दूर जाके खेलो, बहुत दूर जाके खेलो। आपकी तो इस उम्र में भी क्या एनर्जी है। ये तो ट्रेलर है, फिल्म का जोश ही कुछ और है। अल्लाह करे आपकी सेहत हमेशा बनी रहे। तो आपको तो कोई एतराज नहीं है ना शादी से? शादी से? अरे हमें ना शादी से ना निकाह से किसी से कोई एतराज ही नहीं है। और ये जो उम्र का फर्क है, ना उम्र की कोई सीमा हो ना जात का हो, ये बेकार बात है। और बच्चे? मोहब्बत में एक आध तो हो जाए तो कोई बात नहीं, वरना रेडीमेड दो तो हूँ। करम को सरप्राइज देंगे भैया। 500 रुपए दिए। अच्छा तो बेटा जे टाइगर पांडा का घर किधर पड़ा? क्यों? खाता खुलवाना है। वो तो पूरे परिवार के साथ बाढ़ में गए। ये झूठ का बोल रहे हो? पूरे मथुरा में टाइगर बांड है, तुम इधर आते हो? पंजे नाम सूट नहीं करता तुम्हारी बॉडी पर। सही बात है, पांडे हटाने का भी सोच रहा है। टाइगर हटाओ। अच्छा तुम इधर चौका दिखा। इस घर में जितने कमरे नहीं है उससे ज्यादा तुमने निकाह कर डाले। अरे भाई जान, आपको शायद याद नहीं है जब मेरा तीसरा निकाह हुआ था और हम अजमेर गए थे, तो पीर बाबा ने कहा था कि जब मैं अपनी कम उम्र के लड़के से निकाह करूंगी वो निकाह टिकेगा जिंदगी भर। किसी रिश्ते को यूं ही खत्म कर देना गलत बात है। तुम एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। बड़ी मुश्किल से सोमना हाथ लगा है, उसे घर के बाहर मत करो। क्या पता अगला रिश्ता इससे भी ज्यादा मनहूस हो। संभल के बाबूजी। तो ये बाबूजी और बाबू में फर्क नजर नहीं आ रहा। का तुमको हमने कहीं देखो? भगवान नहीं है, इंसान है, कहीं ना कहीं तो देखो। तुम जहां कैसे? हम तो भाई तलाक की बात करने आए। हम अपनी शादी की बात करने। शादी? एक्चुअली जहां घर में एक ही और है जिसमें शादी का कुफी डाल रखा। तू किससे बात करने आया? सलाम अलैकुम दामाद जी। खुश किस्मत ही है। हमारे संग नहीं है जी, अकेले आए हम। ये आप कौन है जी? आई एम जगजीत सिंह फ्रॉम मथुरा। जगजीत जी, अरे शौक है, इनको अंदर ले जाओ। हाँ आपको अंदर छोड़ के आते हैं। सर कृपया ले आइए भाईजान, इसे जल्दी निपटाइए और शादी की बात करते हैं। अच्छा इतनी जल्दी आ रही है शादी की? बिना तलाक के शादी? अबे ओए कौन? अरे तेरे से ही कह रही हूँ, अपने लिए नया शौहर ढूंढ लिया मैंने। अच्छा राधे राधे राधे। एक्सक्यूज मी पापा पापा, ये कार बना रखो है, कौन सा चमकादड़ खा लिए? बेटा रिश्ते की बात करने आए। किसका रिश्ता? हमारा और जुमानी का रिश्ता मर सकता है। इसको मैं फिर से पागल ना बनूं जगजीत। पागल नहीं बने, पागल को हसीना बन गई। इस आदमी ने मेरी जवानी का 3 साल बर्बाद कर दिया। जवानी? तुम वो फ्लॉप पिक्चर हो जिसे हमने इंटरव्यू के बाद देखा। हाँ?
फर्स्ट हाफ की कहानी को तो पता ही नहीं है भाई साहब। अरे पीटेगा मुझसे। तुम्हारी सुनने का बहाना ढूंढ रही हो बेटा। घर आई थी, कह रही थी हमारे बगैर रह नहीं सकती है इंशाल्लाह। बुढ़ापे सजा गए तो मैं तलाक के पेपर पे साइन नहीं करने। हम बिना तलाक के कर लेंगे शादी। हेलो बात ऐसी है कि जब तक इनका तलाक नहीं हो जाता हम निकाह नहीं कर सकते। और वैसे भी 6 महीने कोई पाप काम नहीं हो सकता। दिस मूवी इज प्रेजेंटेड बाय विन लर्नर। आप तो बहुत फास्ट निकले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है, बस कदम आ जाए। रिंग सेरेमनी कर लेते, करवाते रहेंगे। तो अंगूठी कौन पहनाएगा? आप पहनेंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप? ससुर होकर बहू को अंगूठी पहनाएंगे? कौन ससुर कौन बहू? और भैया करम अंगूठी काय को पहना रहा? अरे उससे शादी करूंगी तो वही पहनाएगा ना। और जमाने अगर तुमने हमसे निकाह नहीं करना तो हमसे बात क्यों किया तुमने? अरे सोच भी कैसे लिया, मैं कर्मों से प्यार करती हूँ उसी से निकाह करूंगी। रिश्ते की बात हमसे क्यों करने आई तुम? अरे मैं अपने और कर्मों के रिश्ते की बात करने के लिए आई थी। अपनी उम्र देखी उसका क्या लेना देना? सुमारी मैं वादा करता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे तुम्हारे कदमों में बिखेर दूंगा मैं। अरे तुम दुनिया में हो कब तक? एक बात ध्यान रखना, कभी कभी आखिरी ओवर में भी बल्लेबाज घुमा के मारता है। ऐसा घुमा के मारूंगी ना बहू पे, याद रखेगा। पूजा अपने बाल से मार जाए यहाँ से। बेटी मतलब मतलब बेटी मतलब ये आज की रीत नहीं है, सदियों पुरानी रीत है कि बेटी के ससुराल में बाप को मारो। जा रहा हूं मैं। आपको जमुना मैया की कसम फोन मत काटियो। मुझे ना आपसे पॉइंट टू पॉइंट प्यार हो गया है, सच्चा वाला। I love you. हेलो हेलो क्या है ये सब? मेरा फोन है। ये टाइगर कौन है? टाइगर श्रॉफ, छोटी बच्ची हो क्या? शकी के लौटने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये टाइगर पांडे कौन है फोन वाला? टाइगर पांडे है कोई? तुम्हें क्या बताऊँ? मुझे क्या बात इस घर की इज्जत की है पूजा, हमारे अब्बू जान की इज्जत की है। लाखों लोग यहाँ से मुंह काला कर लो वहां से। बस 10 लाख अभी बाकी है। अब वो बाकी रहेंगे मैडम। पति कहते हो ना तो पति टाइप बिहेव करो, आवाज मत बोल हो जाते हैं। ए क्या ये? अरे नहीं नहीं दो दो डोंट क्रॉस द लाइन। लाइन तो तुमने मुझे कभी दी नहीं। लूट बस फल से भरा के तेज मेहस कर डालो। अरे कब रहे हो बगीचे प्लीज? हाँ जी करम, शाहरुख की हो क्या रहेगी? नहीं 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 हाँ। अरे नहीं 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 हाँ। पूछा प्लीज प्लीज मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। सुन नहीं 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 बस 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 क्या कर लूँगा? प्रूव करना पड़ेगा कि तू ही मेरे रियल पति हो। सो जाओ सो जाओ। ऐसा लग रहा है मेरा पुराना प्यार वापस आ गया। देखो मैं मजाक कर रही थी, इतने 2 मिनट में जो भी वो सब भूल जाओ। बस अब करो, ये धड़कने सुनो, ये मजाक नहीं है। कंट्रोल 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 नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो कुछ नहीं Thank you.
माल के साथ साथ हम पूरा मान ही नकली जे। और ये भी वाइटामिन सी का सेवन करो। हाय मैं संग करम और करम ही पूजा आया हूं। अबू जान, बात करते हैं ना। अबू जान, अबू, शमी भाई, अबू जान,
भाईजान तो ठीक है, आपकी शक्ल देख के हमारी जान को कुछ हो जाता तो पिटेगा क्या है? अरे क्या हुआ है भाईजान को? शुक्र है आप वहां से नहीं आ रही है, वरना ये भी पिटेगा क्या? अरे क्या हुआ है बताओ तो। अरे वो चेस्ट पेन है, ऑलमोस्ट हार्ट अटैक। कैसे, क्यों? पूजा को बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए। पूजा को बच्चा नहीं हो सकता? पूजा इधर आओ, देखो गरम दूध देना, उसमें थोड़ी सी हनी। पता है हमें प्रोसेस, दूध शीला जी वो पता है, साइंस ने जवाब दे दिया। साइंस जहां खत्म होती है वहां से तो वो शुरू होता है। कौन ये बाबा? हाउस है कि मंत्रालय? थूक कौन रहा है? अबू मैंने कहा था ना खानदान के लोग थूकेंगे। थूक नहीं रहा है, इतर है। चलो मैं आना जा रहा हूँ। कर रहा है अबू जान की ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी, इतना ड्रामा कर लिया थोड़ा और कर ले। बच्चा नहीं हो सकता क्या? कोई बात नहीं पूजा, हम अच्छे से ट्राई किए। बच्चे हो सकते हैं, वो भी दो दो जुड़वा। हरून है ये बाबा। बिल्कुल सही कह रही है कि हमारी मासूम सी बच्ची। आप कब आए? 20 फरवरी 1956 को। बर्थडे नहीं पूछा आपका? देखो अगर हम दादा बन रहे हैं तो आप भी तो नाना बन रहे हैं ना? ना ना ना, चलो चलो मैं फ्रूट। यहाँ पे आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ओ राजू, ये बिट्टू, ये विक्की, ये डोनर, ये सोनू, किट्टी, टुकी, स्वीटी, ये सब मेरे ही ट्रीटमेंट से पैदा हुए। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता। अरे मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को छोटे छोटे कंपाउंडर दिए हैं। अबे दो नहीं, हमें एक ही कंपाउंडर चाहिए, मेरा मतलब बच्चा चाहिए। अरे जो बच्चा पैदा हो नहीं सकता उसको पैदा करने में तुले लोग। अरे समझाना अपने घर वालों को। अरे मैं भी परेशान हूँ सबसे यार, कोई अच्छा परिवार मिले तो मैं खुद शिफ्ट हो जाऊँ। पूजा पूजा, अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो रोलर निकाल के मुझे दो। मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारे भाई करमू की बात कर रही हूँ। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। उसे कहो ना मुझसे आके बात करे, मुझसे मिले। ठीक है भूपी जान, करम मेरा भाई तो है, एक नंबर का लौंडिया बाज, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, लड़की बाज है, किसी को भी आला भी बोल देता है। उसके आज भी 8-10 रुपए मार्केट में घूम रहे हैं। तुम नहीं समझोगी पूजा, जो फ्रीलांसर होता है ना वो कभी यहाँ कभी वहां जाता है, और जिसकी परमानेंट जॉब लग जाती है वो ही बस एक जगह टिका रहता है। और वैसे भी किसी पठान ने कहा है जिसे आप शिद्दत से चाहते हैं उसे पूरी कायनात आपसे मिलाने में लग जाती है। सजेशन दो। क्या डायलॉग फिर से मत बोलना। क्यों? अगर शाहरुख ने सुन लिया ना। नहीं मैं ना वो असली सह नहीं पाएंगे। मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारा भाई अगर मुझसे नहीं मिला ना तो मैं बहुत सारा सह करके मर जाऊंगी। अरे यार जैसे अतरम के लोग तुम्हारे घर पे आना को देखने टिकट लगाओ। यार मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तू एक बार मिल ले है। सच में मुरमुरा रही ना, क्या नाम है वो सरदार तो मथुरा वाला? जीजा तुम्हारा स्माइली। हाँ शर्म की बात है वैसे, उसकी और सकीना की शादी नहीं हो पाएगी। स्माइली ब्रो तेरा ही पूजा का मेरा मन नहीं लग रहा ना? अरे नहीं मेरा तो लग रहा है, सोना भाई का नहीं लग रहा। बोल तो वैसे रहो है जैसे तेरे गणपति बंदूक लगा रखी। अरे कैसी बातें कर रहा है यार, सोना भाई बहुत ही हीरा आदमी है यार, बहुत अच्छे इंसान है और सबसे बहुत प्यार करते हैं। क्यों सोना भाई? पूजा जी। अच्छा जी बताओ आप हैं कहाँ? हाय सोना जी, I'm good, just hold on. हेलो करमू, तुम कहाँ पहुँचे? आज हमारी पप्पू के पराठे पहुँचो, ऑर्डर करो आज। जी क्या बोल रहे थे आप? अब जी बताओ मिल्क बनी हो? वो मैं आजकल
बिजी चल रही हूँ मैं, मिलती हूँ आराम से। चेक करो थोड़ा सा। आज मिलना पड़ेगा। मैं नहीं मिल सकती। पूजा जी देखो, आधे घंटे में जे नहीं आया तो इस महीने की लास्ट का पार्सल कहाँ भिजवाना जे बताओ। मार दो सर। क्या बोल रही है? मेरा मतलब फोन दो सर। स्पीकर पे है, स्पीकर पे ये बोल बोल। लोकेशन भेज रही हूँ, मिलते हैं। मिलते हैं। और साथ में कैसे मिलूं? मार दो। यहाँ ये क्या तरीका किसी को बोला? देखा, एक मासूम से सरदार को डरा धमका के रखा हुआ है। हाँ दीदी, I'm deeply hurt. शराब ऐसे बुलाता है कोई शादी के लिए? जी मोबाइल का कितना बजा है आपका? 250 ग्राम। तो उठाते क्यों नहीं हो? देखो पूजा जी, आप ये बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो कि आपके बिना जी नहीं पाएंगे हम? अब जीना मरना तेरे संग, जीना तेरी गली में, और जिए तो जिए कैसे? जिए क्या चार दिन? अंताक्षरी चल रही है यहाँ पर, दिवाली परवाने को लाने। कितनी बार गई है, मेरी शादी फिक्स हो गई है उस लड़के के साथ। ऐसे करता क्या है लड़का? मुझसे बहुत प्यार करता है। पर्सनली नहीं पूछ रहा है, प्रोफेशनली पूछ रहा है। उसी दिया में है डरे न, मैं भी डर गई थी उस रात। CBI मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर है। तो फुल फॉर्म बताने चाहिए ना जी? करेक्ट। काम करनी है यहाँ पर, इसी रूम बोल के मैं तो डिप्रेस हो गई। मुझे ना बहुत सोच से टॉयलेट जाना है। दीदी अब जाओ, क्या पता मेरी यही निकल जाए। अरे 7-8 पराठे खा लिए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैं उसके पास वाले कैफे में हूँ, आ जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम क्या? आओ आओ। किचन किचन टॉयलेट है, लेडीज़ डिनर है। सॉरी। क्या लग रही हूँ? क्या लगा रखा तुमने? कोई तरीका? मैं जाऊँ सुसाइड कर लूँ? जिस घर में हमारी बहन गई है उसका भाई भी चाहिए तुम्हें? एक काम करो, बाप को भी खरीद लो और खानदान खत्म कर दो हमारा। तुम्हारा बाप? वो तो मुफ्त में भी महंगा है। मुझे तो तुम चाहिए। मुझे तुम नहीं चाहिए, मैं लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, नाम उसका परी है, आई लव हर सो मच। ऐसे मत रहो, मुझे हंसी आ जाए। मुझमें क्या कमी है? वो मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, इस जगह में फिलहाल कमी है। जहाँ बुलाया था वहाँ चलो, चल चलो। नहीं मुझे नहीं जाना पप्पू के पराठे खाने। यहाँ देखो ना, सब हमारे जैसे यंग है। यंग मेरे टॉयलेट का टाइम हो गया। टॉयलेट का भी कैसे टाइम होगा? अरे कोई स्विगी जोमेटो ना आया कि ऑर्डर भी आएगा? आएगा तो आएगा। अरे तो कल से नहीं जाना ना। कल का ही है जो आ जा रहा है। फोन काट दो। देखो मेरा काम था दो प्यार करने वाले को मिलवाना, मैं चलता हूँ। ओके दीदी, आगे बढ़ो। बाय दीदी। पूजा जी जी, दिल पे हाथ क्यों धर रखा? आपने इतनी चोट पहुंचाई है कि इस साइड वाले देखो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अच्छा जी। मैम आपका ऑरेंजेस। मैंने फ्रूट मांगा था, तुम जूस निकाल के ले आए हो। ये भी हेल्दी होता है मैडम। तुम डाइटिशियन? मैडम जो बोल रही है वो ले जाओ। चलो आओ। पूजा जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी। देखो हमारी नहीं, कम से कम हमारे बच्चों की तो सोचो, बिना मां के कैसे जिएंगे? अब प्यार एक दो घंटे का होता तो मैनेज करके मैं खुद ही तो कर देती। बचपन का प्यार है। डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे साथ, समझते हैं डॉक्टर डॉक्टर। मैम ऑरेंज आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप कहें तो तरबूज ले आऊं। तरबूज कुछ छोटा नहीं मैम। अंगूर? इतना छोटी सोच। बस केला है। केला। टॉयलेट में जाना है मुझे। देखो पूछा जी, द
10 मिनट ज्यादा लगा के आना, फिर पूरा करके आना। राधे राधे सुना जी। राधे राधे बड़ी लिया नहीं आपने अचानक यहाँ? पूजा जी हमारी राधे की बातें नहीं मान रही। तो हमने सोची एक लेडीज पूछ लेडीज से बात करेगी, फर्क पड़ता है ना। पर पूजा जी है कहाँ? वैसे भी खड़े होने वाला था। आंखें बंद करो। मैं ना कर रहा हूँ। अरे प्लीज करो। चलो। मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं घुटनों के बल बैठ कर अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करूं। अल्लाह क्यों करम? किसी औरत को मरने समय चुपना नहीं दिया। अरे क्या? अरे अब क्या बात हो गई हो क्या? तुम्हारे प्यार में किसी क्लाइंट के साथ हूँ ड्यूटी पे। जी ड्यूटी सही से करियो, ऐसा ना हो जा काम से भी निकाल दिया जाओ। हेलो किसका था? अच्छा मेरे टॉयलेट का टाइम हो गया है। किससे? हाँ अरे अब इस जमुना नदी में आप दोनों ने 3 रुपया लगा। अब हाथ पकड़ो, मेरा नहीं अपनी पत्नी का पकड़ो। अब ऊपर वाले का नाम लो और जाओ, कामयाबी मिलेगी। ठीक है ना? ध्यान से। अबू जान ये आगरा से मथुरा डुबकी शुबकी मरवाने को लेके आया है। घर के चराग के लिए। कौन से राग के लिए? जो भी कुछ हुआ है अनजाने में हुआ है, पूजा के जाने का काम उनको भी है। झूठ बोला बड़ा बेल्ट लेकर क्यों आ रहा है? हो सकता है बहन की मरने खबर सुनी हो तो पहनना भूल गया। किसने बोला था मेरी माने आप चाहते कि मैं उसका नाम बता दूं? जाने दीजिए, वो जो भी है बेल्ट बढ़ाए दिल भी बढ़ा करके माफ कर दीजिए, बहू की रूह को सुकून मिलेगा। बहू यही प्रॉब्लम है, बेटी माना होता तो ये दिन देखने को मिलता। कौन लेके गया था बाबा गया? कहा है तुम्हारे घर की स्वप्न सुंदरी? स्वप्न सुंदरी ऐसा तो पूरे खानदान में कोई नहीं है। अबे तुम्हारी फुफी बोले
तू भी लेके भेजना बाबा के यहाँ। मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, पूजा को मैंने हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है और उसके लेके जाओ इस औरत को। मैं लेडीज पे हाथ नहीं उठाता। बैठ से तो मार ही सकते हो। मत पिटेगा उससे। तुम तो कह रहे थे कि तुम कभी अपनी बहन से बात ही नहीं करते और आज अचानक प्यार कहाँ से आ गया? सोच रहा था आज बात होगी पर बात शुरू होने से पहले बहन का तक हो गया। और तुम लोगों ने जमुना में डुबो के मार डाला मेरी बहन को। बहन का तक हो तुम जैसों पर आते हैं क्राइम पेट्रोल के एपिसोड। बहू दहेज बच्चा हत्या और अब आएगी वेब सीरीज बहन की मौत का बदला। भाई ने ससुराल वालों को मार डाला हवेली में लगाई आग। आगरा थाने में कर दिया सरेंडर। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी मत समझना। अरे ओ मैं तुझे कुछ समझता ही नहीं। ये देख दिक्कत है ये सारे और मसालों को जितना मुंह पे लगाओ उतनी तकलीफ देते हैं। अबे पिज्जा गरम और जीजा जितना ठंडा हो उतना ही अच्छा लगता है। हाय लेना देना बैंक से मैं टाइगर पांडे जी। पूजा जी का क्या चाहिए? चाहिए पूजा खत्म हो गए। खत्म हो गई? नहीं नहीं वो पूजा जी, पूजा जी की बात करो। 36 24 36 गठीरा घंटा है मरी औरत की फिगर की बात करते शर्म ना ही तो है। मरी हुई औरत पूजा मर गई। ये है मेरी पूजा इतनी खूबसूरत मुझसे मिलने से पहले मर गई। कैसे? बच्चा पैदा करने के चक्कर में। बच्चा पैदा करने के चक्कर में कह दो कि ये झूठ है। मैं कह दो कि पूजा नहीं मर सकती। सोना भाई तुझे सोना भाई मैं आपसे कब से कह रहा हूँ आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। पूजा का नंबर यहीं से ट्रेस हो रहा है। जा भाई। अरे यहाँ से भाई यहाँ से हमारी सारी बीबियां जैसे चुप निकल रही हैं। हाँ ठीक है मगर वो जे पूजा जी झांक का कर रही थी। पूछ तो ऐसे जाए जैसे कोई पता ही नहीं। तू ही पड़ा था ना मेरी बहू के पीछे। पूजा जा घर की बहू है जिसे कोई गाली नहीं दे उसे पूजा दे दी। डरे चाहिए वो बदतमीज तूपा तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी बहू ने जान दे दी। जान दे दी तो चार बूटी को क्या करेंगे हम जिसे पहनने वाली उंगली नहीं रही। सुना भाई पूजा का फोन चल रहा है। तो पूजा तो मर गई ना? हाँ तो पूजा डेड है हम थोड़ी डेड है। अरे मेरा मतलब चल रहा मतलब चल रहा है। आगे पाके दिख रही हो? अच्छा भाई कहाँ था यार तू? फरियाद शादी कर रही है? अरे दिमाग खराब ना यार मतलब पहले बहुत मतलब समझ चुकी सच में शादी कर रही है वो। सब किस्मत देख रहा है परी शादी कर रही है। हाँ भाई कर रही हो और आज ही कर रही है। तू चल मेरे साथ यार क्या कर रहा है? शादी करेंगे इसे चले जाओ यहां से। ऐसा कैसे कर सकते तुम मेरे साथ? क्यों कौन हो तुम हमें जो हम तुमसे पूछ के शादी करें? तुम्हारा करूं हे अब नहीं हो और जाओ ना उसी औरत के साथ जिसके साथ है तुम। उसकी उम्र देखिए करम यू आर क्रीप। वो जुबानी अरे यार वो बहुत लंबी बजा रहा समझा के समझा तो सुनो तो बहुत सुना है और नहीं सुनना। प्यार करता हूँ तुमसे। मत करो प्लीज। नाउ इट्स ऑल अबाउट माय फैमिली एंड माय लाइफ। खाना खा लिया? खाना खा लिया बहुत स्वादिष्ट खाना है। थैंक यू। लिखो भैया आगे मैं आइए बताता हूँ।
डूब गई है, लेकिन ये तो यह जल परी बन कर नाच रही है। शिल्पा शेट्टी निकला सुनील शेट्टी। अब याद आया, तुम्हारे दादाजी ने दीवार पे क्यों लिखा था बहु लड़का? दादाजी सब देख दाग के मरे। या अल्लाह, आगरा में तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिला? अबे दूसरे तुम ही हो, पहले हम। भाई साहब बार में आई दारू की हर बोतल खोल के चेक करी हमने, बस ये नहीं कर पाए। मतलब मैं अपनी माँ के आंख के ऑपरेशन के पैसे जा पे लगाए, तो इन्होंने तो वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, और छोटी बहन पूरा का पूरा जेंडर ही बदल दिया इन्होंने तो। मतलब इस दुनिया में पूजा कोई है ही नहीं, सिर्फ करम ही करम है। मुझे तो शाहरुख की चिंता हो रही है, ये फिर डिप्रेशन में ना चला जाए। कोई डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा मैं, मतलब पहले भी नहीं था। करम ही पूजा है, पूजा ही करम है। और ये बात मुझे पहले से मालूम थी। तुम्हें पता था? फिर तुम मुझे बता क्यों नहीं? क्यों बताता? क्यों? ताकि तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारे कर्म ने तुम्हें पाने के लिए क्या क्या किया। तक पैसे जोड़ रहा हूं, कर्म से पूजा बना और आज पूजा से वापस कर। और आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैंने क्यों किया, इनकी शर्तें पूरी करने के लिए, पर साली कर नहीं पाया। एक घर, एक जॉब, 25-30 लाख रुपए बैंक में, वो भी 6 महीने के अंदर। अरे हम मिडिल क्लास लोग 6 महीने में 25-30 लाख खर्च नहीं कर पाते, कमाएंगे कहां से? नहीं पूरी कर पाया आपकी शर्त, पर तो किस बात का नहीं है। दुख तो सदा इस बात का है कि जिस प्यार को पाने के लिए मैंने अपना पुलिंग स्त्रीलिंग बुला दिया, उसने किसी और से शादी करने से पहले एक बारी भी ना सोची। वकील होने का मतलब ये ना है कि अपने ही प्यार में शक करने लगा। सिर्फ एक बार की बात होती ना तो कभी ना करती, कई बार देखा है। और फिर उसने उस जुमानी के गले लगते हुए देखा, ट्रेंड रोज रहते हुए देखा, तो हम आओ शक यकीन में बदल दो। यही तो सारी अपनी किस्मत ही खराब चल रही है। बोलते कुछ और है, लोगों को सुनाई कुछ और देता है। परी जी, आंखों देखी और कानों सुनी हर बात सचनाएं होती है। जो नौटंकी का खेला खेला है ना, बस अपना प्यार पाने के लिए खेला है। अबे जब प्यार पाने के लिए लड़की कौन बनता है? अरे जो बनना था बनता, हमारे घर की बहू क्यों बना?
रणबीर सिंह को घाघरे में मैंने यूं पहचान लिया था, इसको मैं नहीं पहचान पाया। प्यार के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड जिंदगी में एक ही बार भयो। अच्छा जी, तुम्हें क्या पता प्यार क्या होता है? अगर पता होता अपने बच्चों को इतना प्यार करते, उनको माँ की कमी महसूस ना होने देते। तुम्हें तो उनकी माँ के नाम पर खुद के लिए मासूम कर चुके। जुमानी जी, रिश्तों को ना किस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए। समय समय पर किस्त भरते रहे, नहीं तो ब्रेकअप का नोटिस आ जाता। अभी वो लेना था ना बैंक, तुम्हारा गरीबों से कोई लेना देना नहीं। किसी गरीब का भी लोन माफ मत करना। एक खूबसूरत लड़की प्यार से दो बातें क्या कर ले, उसका लोन अपने जेब से भर दोगे उन पैसों से जिनसे अपनी माँ का ऑपरेशन करवा। लानत है। चौकिया भाभी जान, भाभी जान नहीं, भाभी को भाभी मान। मान गया सलीम साहब, तीन तीन चार चार साल हम वेट करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ बोले, और जब बच्चा बोलना शुरू करता है उसकी सुनते नहीं। भाई लव इज लव, लव लव लव, और हमारे लव के फादर साहब। अंकल जी, मैंने आज तक जो कुछ किया है ना, लव के लिए किया है। मरी के लव के लिए, पापा के लव के लिए, अपने दोस्त के लव के लिए, पर कामयाब नहीं हुआ। तो आप गलत है ना परी गलत है, मैं गलत हो सकता हूँ। करम, मुझे लगा तुम्हारे और जुमानी के बीच अफेयर चल रहा था। मुझे लगा तुम मुझे सॉरी बोलोगे, मुझे लगा तुम मुझे कॉल करोगे, मुझे लगा तुम मुझे मिलने आओगे, मुझे लगा तुम मुझ पर चीट कर रहे हो, मुझे लगा ये, मुझे लगा वो, इस मुझे लगा देना पूरी दुनिया की लगा के रखी हुई। अगर रिश्ते में कभी डाउट हो ना, तो आमने सामने आकर डाउट क्लियर करना चाहिए। रिश्तों की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए बरी जी, अगर आपको लगता है कि आप इन भाई साहब के साथ ज्यादा खुश रहेंगे तो रहिए। वैसे भी मैं दुनिया का पहला लड़का तो हूं नहीं जिसकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो रही हो। और अंकल जी, हम जैसे प्यार करने वालों को ना कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जरूरत आने पर पता नहीं ये छोटे लोग क्या करते हैं।
I'm sorry. अच्छा सुनो, तुम सबकी ड्रीम गर्ल बनती हो, मेरी नहीं बनोगी?